गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आप सभी दर्शकों को भी। गुरुजी, दर्शकों का सवाल है कि शिवरात्रि का जो पूजन करना चाहिए, इसमें अलग अलग प्रकार का पहले संकल्प किया जाता है, तो अगर किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो, यानी कि धन कमाना हो, धन की प्राप्ति करनी हो, तो क्या संकल्प करना चाहिए और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए शिव जी का, ताकि वो प्रसन्न हो और घर में धन धान्य ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। और साथ ही साथ ये भी बताएं कृपा करके कि शिवरात्रि इस साल यानी कि 2021 में कब है। जी मैं बताना चाहूँगा शिवरात्रि में किस तरह से भगवान शिव का पूजन करें और शिव का अभिषेक करें। जब आप अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाते हैं, स्वच्छ कपड़ा पहन लें और शुद्ध कपड़ा पहन करके, या तो घर में बैठ करके एकांत में एकाग्रमन से, या मंदिर में जा करके आप भगवान शिव का पहले ध्यान करें और उनको नमन करें। एक मानसिक संकल्प लेते हैं, अपने मन में मनोकामना बोलना होता है भगवान शिव से, हे प्रभु, हे भगवान शिव जी, आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें और हमारे ऊपर विशेष लक्ष्मी का कृपा बनाएं और हमारे जीवन में जो भी दोष है, जो भी कष्ट है, उसका निवारण हो और भगवत आशीर्वाद मेरे ऊपर प्राप्त हो। जब इस तरह से संकल्प ले लेंगे, मनोकामना धारण कर लेंगे, उसके बाद भगवान शिव का पूजन चालू करें। सर्वप्रथम भगवान शिव को जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, पुनः जल से स्नान करा के भगवान शिव को टीका लगा दें, मलयागिरी चंदन को घिस लें और भगवान के शिवलिंग पे त्रिकुंड लगा दें और ओम लिख दें। उसके बाद भगवान शिव को माला पहना दें, धूप दीप दिखा दें। धूप दीप दिखाने के बाद अपना हाथ धो लें, हस्तो प्राचाल्यम कर लें। उसके बाद भगवान को कुछ मिष्ठान फल चढ़ा दें। फल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम तो अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन जो भी मैं पूजा किया हो, अगर इससे इसमें कोई त्रुटि हो गया हो, कोई सामग्री छूट गया हो ज्ञान बस, तो आप मुझे अपना भक्त समझ के अवश्य क्षमा करें। इस तरीके से तो आप भगवान का पहले पूजन कर लें। अब आप चाहते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति करना, तो उसके लिए आप पहले से ही 5 या 3 कमल का फूल ला करके रख लें। कमल के फूल को खोल लें और गन्ने का जूस ला करके 1.25 लीटर घर में रख लें। फिर जब मंदिर जाएंगे साथ में ले जाएं और सबसे पहले पूजन करने के बाद गन्ने के जूस को एक पात्र में रखे रहेंगे और पतली धार बना करके भगवान शिवलिंग के ऊपर पतला धार करके चढ़ाते रहेंगे और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने मन में निरंतर जप करते रहें, मंत्र बोलते रहें। थोड़ा सा पतला धार रखना है आपको, इससे कि कुछ टाइम तक अभिषेक होता रहे। 2-3 मिनट तक अभिषेक आप करते रहें, उसमें आपका एक कम से कम एक माला 1 सवाट का पूरा हो जाएगा, उससे और भी भगवान शिव का प्राप्त होगा, भगवान शिव का कृपा आपके ऊपर और भी प्राप्त होगा। उसके बाद जब आप गन्ने के जूस से अभिषेक कर लेंगे, फिर जो है शुद्ध जल से स्नान करा देना भगवान को। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद कमल के फूल एक एक करके अपने हाथ में लेना है और भगवान शिव से कामना करना है, प्रभु, हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो और हमारा व्यापार, बिजनेस, नौकरी में वृद्धि हो और हमारे घर में कमाई की उन्नति हो, कमाई बढ़े, इस तरह से कामना करना है। फिर अपने मन में महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है, माँ लक्ष्मी का अपने मन में दर्शन करना है। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र बोल करके एक कमल का फूल भगवान शिव को अर्पण कर दे, फिर दूसरा कमल का फूल लेना हाथ में, फिर माँ लक्ष्मी का अपने मन में दर्शन कर लें, भगवान शिव से कामना करें हमारे घर में और हमारे परिवार में सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो और लक्ष्मी की वृद्धि हो। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र बोल करके दूसरा फूल भी भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद तीसरा ले लेंगे, अगर 5 रखे हैं
तो इसी प्रकार से एक एक करके सारा कमल का फूल भगवान शिव को माँ लक्ष्मी का ध्यान करके और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके अपने मन में भगवान को चढ़ाते जाएं और भगवान से कामना कर लें। फिर जब आप फूल चढ़ा लेंगे तो भगवान शिव के सामने साक्षात लेट करके दंडवत प्रणाम करना है, अपने आप को भगवान शिव जी के चरणों में बिल्कुल अर्पण कर देना है। हे प्रभु, जैसे भी हैं हम आपके हैं, हम आपके चरण में हैं, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे ऊपर भगवत आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से भगवान का साक्षात दंडवत प्रणाम करें, उसके बाद भगवान शिव का आधा परिक्रमा करें। भगवान शिव का केवल आधा ही परिक्रमा होता है, पूरा गोल राउंड परिक्रमा नहीं होता है। लोग ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, भगवान शिव का आधी परिक्रमा करना है। तो आइए, अगर आप किसी को कोई भी जानकारी लेना हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, और ओम हर हर महादेव अवश्य कमेंट में लिखें। अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल है, जो भी आपको पूछना है, आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आइए, इस वीडियो से हम विदा लेते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।